जंतुओं और पादप में परिवहन भाग एक परिसंचरण तंत्र। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सबको जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पर ये भोजन, ऑक्सीजन और जल हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते कैसे हैं? क्या आपने कभी अपने हृदय का धड़कना महसूस किया है? अपनी छाती पर हाथ रखकर महसूस कीजिए। क्या आपने कभी अपनी कलाई पर रक्त वाहिनियां देखी हैं? इनका क्या काम होता है? आइए सरिता और रमा के साथ उनके स्कूल चलते हैं, जहां आज उन सब की डॉक्टरी जांच हो रही है। इस कहानी के उद्देश्य हैं क समझना कि रक्त क्या है और उसके घटकों के बारे में जानकारी हासिल करना, ख रक्त वाहिनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बच्चों, आज हमारे गांव के अस्पताल से डॉक्टर दीदी आएंगी। वह आप सबकी वार्षिक जांच करेंगी। अच्छा टीचर जी। श्याम आज भी स्कूल नहीं आया। टीचर जी, कल मैं उसके घर गई थी। उसे तेज बुखार था। उसकी माँ ने बताया कि उसके रक्त की जांच करवाई है। अच्छा, धन्यवाद सरिता। टीचर जी, श्याम के रक्त की जांच क्यों करवाई है? रमा, कई बार जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर रक्त की जांच करवाते हैं। उससे वे ये पता लगा पाते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है और वे हमें सही दवाई दे पाते हैं। चलो बच्चों, अब दो दो करके डॉक्टर दीदी के पास जाओ। रमा और सरिता, पहले तुम दोनों की बारी है। आओ बच्चों, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते डॉक्टर दीदी, मेरा नाम सरिता है। चलो सरिता, अब लंबी और गहरी सांस लो। और अब अपनी कलाई दो। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर हमारी कलाई पर हाथ रखकर कैसे बता सकता है कि हमारा हृदय भली भांति चल रहा है? डॉक्टर कलाई पर हाथ रखकर वहां मौजूद धमनी को हल्का दबाकर हृदय की धड़कन को महसूस करता है। है ना मजेदार बात? डॉक्टर दीदी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर सरिता। हमारी कक्षा का एक छात्र बीमार है, उसके रक्त की जांच हुई है। क्या आप बता सकती हैं कि उसके रक्त की जांच क्यों हुई होगी? डॉक्टर दीदी, मेरी माँ कहती है कि हरी सब्जियाँ खाने से मेरा रक्त बढ़ेगा, पर मुझे पालक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओहो, कितने सारे सवाल हैं तुम दोनों के। चलो ऐसा करते हैं कि मैं सारे बच्चों की जांच कर लेती हूँ, फिर मैं तुम सबके साथ बैठकर
तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी और हम रक्त और रक्त वाहिनियों के बारे में समझेंगे। डॉक्टर दीदी ने सारे बच्चों की जांच की, फिर उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। चलो बच्चों, आओ। अब आप सब डॉक्टर हो और मैं आपकी मरीज। रमा और सरिता, तुम दोनों यहाँ आओ। ये लो मेरा स्टेथोस्कोप और मेरा डॉक्टरी कोट। चलो अब मेरी जांच करो डॉक्टर रमा। वाह बच्चों, आप सब तो बहुत अच्छी तरह से जांच कर रहे हो। आज जांच के समय सरिता और रमा ने मुझसे रक्त के बारे में कई सवाल पूछे थे। आओ मैं उनमें से कुछ सवालों के जवाब देती हूँ। डॉक्टर दीदी स्कूल की जीव विज्ञान कक्षा से मानव शरीर का एक पोस्टर लेकर आती हैं। अरे दीदी, ये लाल और नीली पाइप जैसी नलियाँ क्या है? बच्चों ये रक्त वाहिनियाँ हैं और बीच में हमारा हृदय है। पता है बच्चों हमारा हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? नहीं दीदी। हमारा हृदय एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है, यानी कि 1 साल में 3.5 करोड़ बार। कितनी मेहनत करता है हमारा हृदय, इसीलिए वह हमारे शरीर का सबसे ताकतवर अंग है। हमारे हृदय और रक्त वाहिनियों से हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है। हाँ सही कहा, हृदय एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप की सहायता से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है। दीदी रक्त तो पानी की तरह एक तरल पदार्थ है। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। हाँ बच्चों रक्त एक तरल पदार्थ है। रक्त के कई घटक हैं। उनमें से रक्त के तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त लगभग 55% प्लाज्मा से बना होता है और प्लाज्मा पीले रंग का होता है और बाकी का 45% रक्त किससे बनता है दीदी? और अगर प्लाज्मा पीले रंग का है तो रक्त लाल कैसे दिखता है? दीदी मेरी बड़ी बहन एक दिन बता रही थी कि रक्त में लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं। सही बोली तुम। रक्त में एक तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC कहते हैं। इसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। क्या जैसे हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो हरी दिखती हैं? वाह बहुत अच्छी तुलना करी तुमने सरिता। पता है दीदी मुझे एक बार बहुत कमजोरी हो गई थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि मेरे रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। हाँ बच्चों हीमोग्लोबिन केवल रक्त को लाल रंग नहीं देता परंतु ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है और सारी कोशिकाओं तक परिवहन करता है।
और तब डॉक्टर ने मुझे हरी सब्जियाँ और अधिक मात्रा में फल खाने के लिए कहा था। हाँ, क्योंकि हरी सब्जियों में लोहा पदार्थ होता है जो हीमोग्लोबिन की वृद्धि में मदद करता है। तुम सब बहुत सारे फल और हरी सब्जियाँ खाया करो। ओ, अच्छा, तभी मेरी माँ मुझे पालक, मेथी, आमला, अनार आदि खाने के लिए कहती हैं। अब मैं समझी। मेरी दीदी ने बताया था कि लाल कोशिकाओं के साथ साथ रक्त में श्वेत कोशिकाएं भी होती हैं। हाँ बच्चों, रक्त में श्वेत कोशिकाएं भी होती हैं। इन्हें शरीर के सैनिक भी कहा जाता है। शरीर का सैनिक? वो क्यों? अब बताओ, सैनिक क्या करते हैं? हमारे देश की रक्षा। हाँ, वैसे ही श्वेत कोशिकाएं, जिन्हें WBC भी कहते हैं, हमारे शरीर के उन रोगाणुओं से लड़ते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अरे, क्या हुआ नीलू? ये देखो, तुम्हारी उंगली से तो रक्त बह रहा है। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस इस शेल्फ में उंगली दब गई। आओ, मैं तुम्हारे घाव पर रोगाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक लगा देती हूँ। इससे तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा और संक्रमण नहीं होगा। और दीदी, जब कभी गिरने से या चोट लगने से रक्त बहता है तो कुछ देर बाद वो बहना बंद हो जाता है, पर वहाँ एक थक्का सा जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, रक्त में एक और तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त का बहाव रोकने के लिए प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमा देती हैं। नहीं तो हमारा रक्त ज्यादा बहने से हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। ये थक्का उनकी उपस्थिति के कारण होता है। प्लेटलेट्स रक्त का बहाव रोकने में मदद करते हैं और घावों को भरने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, जैसे अच्छे परिवहन के लिए अच्छी सड़कें जरूरी हैं, वैसे ही हमारे शरीर में रक्त का परिवहन कैसे होता होगा? वहाँ कोई सड़क तो नहीं है। हमने श्वसन के अध्याय में पढ़ा था कि रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ ले जाता है। शाबाश सरिता, रक्त ये कार्य रक्त वाहिनियों के द्वारा करता है। इन्हें धमनी और शिरा कहते हैं। ये देखो इस पोस्टर में, ये लाल रंग की धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, और ये नीले रंग की शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। दीदी, इस चित्र में यह धमनी या अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई दे रही हैं। हाँ बच्चों, ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। ये पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। दीदी, हृदय का तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। ये सारा दिन धक धक करता रहता है। क्या आप हमें हृदय के बारे में बता सकती हैं?
हाँ जरूर बच्चों, पर अभी मुझे अस्पताल जाना है। आज जो भी तुम लोगों ने सीखा है उसे याद रखना। धन्यवाद डॉक्टर दीदी। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर दीदी ने। सारे बच्चे डॉक्टर ही बन गए थे। मुझे तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, पर मैं भी रमा जैसे जानना चाहती हूँ कि हमारा हृदय बिना रुके जीवन भर कैसे धड़कता रहता है। इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। जल्द मिलेंगे दोस्तों।